गुरु दर्पण की तरह कार्य करता है, गुरु एक शीशा है और वो शीशा आपको आपकी वास्तविकता दिखाता है। लेकिन वास्तविकता देखना चाहता कौन है? कोई भी वास्तविकता नहीं देखना चाहता। एक कहानी है बड़ी पुरानी कि किसी राज्य में ज्यादातर ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो सारे दिन झगड़ा, फसाद, गाली गलौच, मारपीट, लूटपाट, है ना, चोरी चकारी, ऐसे ही कृत्यों में संलिप्त रहते थे। रोजाना उनकी शिकायतें राजदरबार में पहुंचती, राजा भी परेशान, सब लोग परेशान। बहुत बार जब ये बातें होने लगी तो उनके गुरुजी वहां पहुंचे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई है कि 80% लोग खराब तरह के कृत्यों में लिप्त हैं और उनको हम कैसे सुधारें, क्योंकि बाकी जनता के लिए ये चिंता का विषय हो गए हैं, उनके लिए समस्या का कारण बन गए हैं, इनको कैसे सुधारें और कैसे ठीक करें। तो वो कहते मैं बेटा एक शीशा रखता हूँ अपने पास। गुरुजी थैले में से एक शीशा निकालते हैं, उस पर थोड़ी धूल चढ़ी हुई है, उसे साफ करते हैं कपड़े से और शीशा राजा को देते हैं और राजा को बोलते हैं कि इस शीशे में जो भी कोई व्यक्ति अपना चक्ल देखेगा, अपना चेहरा देखेगा, उससे उसकी वास्तविकता का बोध होने लगेगा और वो अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर लेगा। तो उसको याद आता है राजा को कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में तो ज्यादातर लोग ही परेशान हैं और परेशानी शायद उनको इसलिए है कि उनको अपनी परेशानी के बारे में भान नहीं है, अपनी परेशानी के बारे में वो अनभिज्ञ हैं, शायद पहचानते नहीं हैं या उनको जानकारी नहीं है कि हम कुछ और ठीक इंसान बन जाएं, कुछ और अच्छे इंसान हो जाएं, हमारे क्या दोष हैं, क्या त्रुटियां हैं, इसके बारे में उनको कोई भी संज्ञान नहीं है। तो क्यों ना ये शीशा हम शहर के मुख्य चौराहे पर लगवा दें ताकि जो भी व्यक्ति दिक्कत में है इनको उसकी वास्तविक स्थिति का पता चले कि वो कितना झगड़ा करते हैं, कितना बुरा विचार सोचते हैं, कितनी गाली गलौज करते हैं, कितने संघर्ष और मारकाट और बुरे कृत्यों में समाहित और सन्निहित हैं। तो ऐसा तय होता है, वजीरों से मशवरा लेते हैं, कहते हैं, हालांकि वजीर माथा पीटते हैं अपने के राजा को, पता नहीं क्या समझ में आ गया, फिर भी उसे टांगते हैं, शीशा लगा दिया जाता है साम्राज्य के मध्य केंद्र के मध्य चौराहे के बीचों बीच एक पिलर पर और उसके साथ डिंडोरी पिटवाई जाती है पूरे शहर में कि यह शीशा आपको आपकी वास्तविकता बताएगा, आप जैसे हैं आपको उस बारे में ज्ञान देगा। तो इसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, आप अपने दोष दूर कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों के बारे में पता लगा सकते हैं, आप अपने जीवन में जो त्रुटियां हैं उनका सुधार कर सकते हैं, आपसे जाने अनजाने क्या हो जा रहा है उसको आप अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपसे गलती से हो रही है उसको आप सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसी ये शक्ल शीशे के सामने आएगी आपको अपनी गलती, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखने लगेगा कि आप कैसे इंसान हैं। तो तीन चार तरह के वर्ग के लोग हैं। सबसे पहले एक वर्ग है तो वो कहता है कि क्या ये राजा हमें पागल समझता है, पता तो उन्हें है ही कि हम गलत कर रहे हैं, हर व्यक्ति को पता है कि वो गलत करता है कि ठीक करता है, और क्या हम चिड़चिड़े और बदतमीज हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको नीचा दिखाते हैं, सब करते हैं, तो राजा हमें हमारी औकात बताना चाहता है क्या, हम शीशे में मुंह देखने नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। फिर एक और वर्ग है, वो वर्ग कहता है कि ये राजा ने बाकी तो किसी शहर में नहीं टंगवाया शीशा, शहर तो बहुत सारे थे उसके साम्राज्य के, हमारे शहर के हमारे चौराहे पर टांगा है और हमारे घर के पास डिंडोरी पीटी गई है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लें। तो इसका मतलब राजा हमसे बैर रखता है, तो हम प्रजा हैं, हमारी वजह से राजा बना है, अगली बार जब मौका लगेगा तो राजा को बदल देंगे, बात खत्म हो गई। तीसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग भी उसी शहर में उसी साम्राज्य में रहता है, वो कहता है कि हम ठीक है, हम कुछ गलती कर रहे होंगे या कुछ अच्छाई कर रहे होंगे, लेकिन उसे हमें जानने की जरूरत क्या है, जब हम जानेंगे तो हमारे घर परिवार के लोगों को पता चल जाएगा कि हम तो आधे पागल हैं, या हम ठीक व्यवहार नहीं करते, या हम हर आदमी को नीचा दिखा रहे हैं, या हर आदमी से झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही है कि हम कर रहे हैं, हम देखने क्यों जाएं। एक चौथा वर्ग भी है, चौथा वर्ग सोचता है कि ये शीशा अगर बता ही सब कुछ सकता है तो हम अपना क्यों देखें, क्योंकि हम तो ठीक ही हैं, हर व्यक्ति खुद को ठीक ही समझता है, हम दूसरों के सामने शीशा कर दें और वो ले जा करके उसको खड़ा करेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे कि ये इंसान कैसा है ताकि हमें हमारे बारे में पता चल सके। हर गुरु एक शीशा है, इस संसार का प्रत्येक संबुद्ध रहस्यदर्शी, प्रत्येक सदगुरु एक दर्पण है, उस दर्पण में बहुत लोग शीशे में अपना शक्ल देखना नहीं चाहते, वो आपको आपके विकारों की ओर इशारा करता है,
वो आपके आपके अभावों की ओर इशारा करता है, वो आपको आपके प्रभावों की ओर भी इशारा करता है, वो आपको आपके दबावों की ओर भी इशारा करता है, वो उन तमाम वर्तनों की ओर इशारा करता है जो आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हो। तो वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि उसको उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो सके या वो उसके बारे में ज्ञात कर सके कि वो है कैसा। पता तो उसको है ही, क्योंकि देख लेगा तो सुधार की गुंजाइश बनेगी, और सुधार ही गए तो हम ऐसे रहेंगे कैसे, और हमें ऐसे ही रहने में मजा है तभी तो हम ऐसे हैं। तो ज्यादा कवायद मैं उन लोगों के बारे में इसको थोड़ा सा सेकेंडरी मानता हूं जो औरों के बारे में परामर्श मांगते हैं, और वो तो कर्मण्येवाधिकार रस्ते की प्रतीक है। जो आपकी पत्नी है कर्म में ही निहित है, कर्म को ही सर्वोच्च प्रतिष्ठा देती है, तो उन्हें कर्म की गति से ही प्राप्त करने लेने दीजिए। उनको भाग्य और धर्म की गति में क्यों डालते हो? आपको भी और दिक्कत होगी, क्योंकि उन्हें तो दिक्कत शायद महसूस भी नहीं होती। गीदड़ पड़ गया झेरे में वहीं विश्राम। कुछ ऐसे लोग, मैं आपको जानता नहीं, आप मैं मतलब मैं ऐसे कोई मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को कुछ बोलता भी नहीं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव